हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। बहुत दिनों बाद हम पूरी फैमिली जा रहे हैं घूमने। कहाँ ये आपको बाद में पता चलेगा। तो अभी हम सब जने बैठ गए हैं ऑटो में और बाहर आप देखो कितनी बारिश हो रही है। आज अचानक से बारिश हो गई और जिसकी वजह से ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ गई है। हम लोगों ने ऑटो भी हमारे को बहुत मुश्किल से मिला है। इस मतलब सुबह की अभी 12 बज रही है दिन की मतलब, और गाड़ी वगैरह कुछ भी नहीं चल रही है। रोड भी देखो एकदम खाली पड़ी हुई है। हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं। ये हमारा लगेज है, मम्मी पापा राहुल और पापा के एक फ्रेंड है वो भी, और ये मेरे हाथ में रोज़ है, मेरे को एक रोज़ मिला है। हम लोग यहाँ से जब निकलने के लिए घर से निकल रहे थे तो हम लोगों का मतलब वो तिलक विलक लगा के उस हिसाब से हम लोग निकले हैं बाहर। मैं आपको मौसम पहले, मेरे को देख लो यार, मैं कितनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ। तिलक लगा रखा है मैंने। ये पूरा स्टेशन का सीन है और ये आ गई है हम लोगों की ट्रेन। हमारे दो कोचेज है, B1, B1 में हमारे 3 टिकट है और B4 में 2 टिकट्स है। टिकट्स एंड टाइम पर मतलब क्लियर हुए थे। हम लोगों की 3 RSC थी तो वो एंड टाइम पर क्लियर हुई, इसलिए हम लोगों के अलग अलग कोचेज में टिकट्स डिवाइड हो गए। ये मम्मी है और मैं, मम्मी और राहुल तीनों हम इस कोच B1 में हैं, पापा और पापा का फ्रेंड B4 में है, और ये मेरे को देखो आप। ओए होए, मेरा तिलक उतर के दिखता है। कोई बात नहीं, तिलक तो 4 चांद लगा रहा था मेरी ब्यूटी के अंदर। और मैं आपको एक बार का आसपास दिखा देती हूँ ये एरिया। सो गाइज, मतलब 24 आवर्स हम लोग ट्रेन में रहने वाले हैं। कहाँ जा रहे हैं थोड़ा सा इंतज़ार रख लो यार, सब पता चल जाएगा। ये देखो आप तो इस क्यूट सी बच्ची को, और मम्मी ये रही, राहुल अपने फ़ोन में लगा पड़ा है। नाश्ता तो मैं ही खाती जा रही हूँ और वीडियो बनाती जा रही हूँ। मम्मी बड़ी सीरियस से बाहर इधर उधर देख रही है। ये बच्ची कितनी क्यूट है और इसका क्यूट सा बैग। अरे हाय, वापस से फोकस में लाना पड़ेगा मुझे उसका। एक बार पहले मैं कुछ खा लेती हूँ, आप भी खा लो। मैं नमकीन खा रही हूँ और नमकीन है, मठरी है, फीनी है, भड़ंगे, ये सब थी। और नाइट का टाइम हो गया, हम लोग यहाँ पर आए हैं मूवी देखने। ये B4 कोच है, पापा वाला कोच। पापा और भैया उधर खाना खाने गए, हम लोग इधर आए। तो यहाँ पर सब लोग लाइट्स वगैरह बंद कर कर कब से सो रहे हैं। टाइम अभी तक दिन की 4:05 बज रही है और ये सब जने सो रहे हैं। अब देखो कितना अंधेरा हो रहा है, पूरे कोच में अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिख पा रहा है ना। मैं ये इसके अंदर ब्लॉग में ऐड कर रही हूँ ताकि पता चलेगा कि भाई AC में बैठे हैं ये लोग और शाम की 5 बजे भी पूरा लाइट्स वगैरह बंद कर रखा है। यार इतना ही लेंगे इन लोगों को। गाइज हम लोग खा रहे थे डिनर, तो मैंने सोचा ब्लॉग ले लेते हूँ। रोटी है, मिर्ची का अचार है, गाजर मूली का अचार खत्म होने आ चुका है, नमकीन है, भिंडी की सब्जी उसमें खा ले, उसमें पूरी भिंडी खा ले। मम्मी डिनर चल रहा है खूब मजे से, थोड़ा सा अचार और मेरी रोटी खा रहा है। वीडियो में कैप्चर करता हुआ मेरी रोटी के हाथ मत लगा तू। बाकी ट्रेन में सब लोगों ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खा ही लिया। मैंने खा लिया, सबने खा लिया। हाय, ये मेरी एक न्यू फ्रेंड बन गई ट्रेन में, शी इज बंगाली। बस मूवी खत्म हो गई, सब अपने अपना मोबाइल चला के बैठ गई। ये रहा मैं, मेरी मम्मी ये रही, कुछ अलग पब्लिक है। और खाना वगैरह हो चुका है, मूवी भी हम लोगों ने देख ली। द एम्प्टी मैन मूवी देख रहे थे हम लोग, तो अब देखते हैं, बस सोने की तैयारी है। खाना हमने ट्रेन से भी जो ऑर्डर किया था ना, 8:30 बज रही है, अभी तक आया नहीं। अच्छा वो हम लोग लेके आए थे जो हमने खा लिया, थोड़ा भूख के मारे ना आतड़े बाहर आ जाते हैं। देखते हैं अभी और क्या करना बाकी है। तो फाइनली बेड वेड लग गया, सबको सोना चाहिए। हाँ बस अब सो रही है, सोना सोना गोल्ड। सो इट्स गुड नाइट टाइम, चल रहे चलो तो नाइट। और ये हो रही है गुड वाली मॉर्निंग। अभी बज रही है सुबह की 4:30 और ये आया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर भी बहुत ही अच्छी मतलब धुंध वगैरह छा रही है और बहुत ज़्यादा सुबह का टाइम है तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। लेकिन हाँ, बस ये जो हमारी ट्रेन से ही लोग उतरे हैं ना, बस इन्हों का ही आना जाना है। और मैं आपको अगर मेरे कोच में दिखाऊँ ना, तो सब जने सो रहे हैं। ये देखो वो तो मेरे क्या, मेरे कोच वाला में से एक जना उतरने वाला था इसलिए मेरी नींद उठ गई यहाँ पे। बहुत ही अच्छा स्टेशन लग रहा है। देखो बारिश यहाँ पर भी हुई है इसलिए यहाँ पर भी बहुत ठंड है। और अब मुझे सो जाना चाहिए यार, सो जाओ।
हे गाइस, गुड मॉर्निंग। फिर से मैं बताया वो वाला स्टेशन आया था, उसके बाद मैं सो गई थी क्योंकि मुझे अचानक से बहुत ज़्यादा खांसी चलने लग गई थी। तो मुझे मतलब और दवाई रह गई बैग में नीचे, सब जने सो रहे थे तो मैंने उनको उठाना ज़रूरी भी नहीं समझा। बाइक तो मैं फिर से उठ गई हूँ। अब हो गया टाइम 7:30 बज रही है और बाहर भी कुछ ना कुछ चल ही रहा है। सब जने अभी तक सो ही रहे, मम्मी सो रही है। दिखाऊं क्या है ट्रेन में, ये बदमाशी कर रहा है। वो अरे वो हमारी क्यूट सी फ्रेंड तनिष्का। तनिष्का हाय, ये उठ गई कब से मम्मी से। वो अरे मम्मी व्लॉग बना रहे हो। गुड मॉर्निंग करते मम्मी ने। अंदर का सीन अब बाहर देखते हैं। ओए होए होए, फिर से जंक्शन आ गया है और यहाँ पर ठंड की वजह से यार ये आया है गया जंक्शन। यहाँ पर तो लोग अच्छे खासे हैं। गया जंक्शन आ गया ये लो। ओए होए होए होए, थोड़ी सी धुंध तो यहाँ पर भी है, अब क्लियर होगा सब कुछ। तो ये स्टेशन भी काफ़ी अच्छा है। अब हम लोगों को मतलब अब गया आ गया, अब हम लोगों के उतरने में ज़्यादा टाइम नहीं है, 1-1.5 घंटा है यहाँ से। और ये देखो इन बच्चों की बदमाशी कभी भी नहीं रुकती है यार। ये सुबह 5 बजे से कूद रहे हैं, लेकिन इनकी वजह से क्या बॉक्स में थोड़ा सा मज़ा आ गया, वरना तो बहुत बोरिंग बोरिंग सा हो जाता है। वैसे मैंने म्यूज़िक मूवीज़ और नॉवेल्स लाने में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन इनके गेम की बात ही अलग है। इनका गेम देखो यार मस्त लग रहा है एकदम। गाइस इस बच्ची को देख के ना मुझे मेरा बचपन की याद आ गई। कमेंट करो आप में से कितने जनों ने ट्रेन में इस तरीके से झूला झूला है। सो गाइज अब जो स्टेशन आने वाला है वो हम लोगों का ही स्टेशन है। थोड़ी सी बच्चों की मस्ती, थोड़ी सी ट्रेन की यादें, ये क्यूट सा बैग, और सबसे ज़्यादा मज़े करने वाली इस ट्रेन में ये क्यूट सी बच्ची तनिष्का नाम है इसका। इन सारी मेमोरीज़ को मैं हमेशा इस व्लॉग में याद रखूँगी। और अब हमारा टाइम है निकलने का, तो हम लोग सीधा स्टेशन पे ये आ गए। हम लोग स्टेशन पे पूरा सामान हम लोगों ने ले लिया है और ये लोग काउंट कर रहे हैं सारा सामान कहाँ है, और मुझे ही देख रहे हैं कि मेरा बैग कहाँ है। मैंने अपना बैग उस रेड वाला जो बड़ा बैग है ना उसके अंदर अपना पर्स डाल दिया है। पापा और वगैरह ये कन्फ्यूज़ हो गए कि एक बुलबुल का भी तो पर्स था ना। ठीक है, तो अब हम लोगों का सामान वगैरह चेक हो चुका है, सब कुछ हो गया, अच्छे से उतर गए हैं। ट्रेन की जर्नी भी मस्त हो गई है। होप आप लोगों ने मेरा व्लॉग पूरी तरीके से एंजॉय किया होगा, और कैसे रिलेट हो रहा है ये आपकी लाइफ से वो भी फटाफट से कमेंट कर दो। और हम लोग जब तक मैं ये वाला जो प्लेटफॉर्म है ये क्लियर कर ले। सो गाइज हम लोग आए हैं पारसनाथ, जो कि जैनियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। यहाँ पर हम लोग 4 दिन रुकने वाले हैं, चारों के अलग अलग व्लॉग्स आएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, और इस वाले व्लॉग को भी बहुत सारा प्यार देना, और नेक्स्ट व्लॉग का